तो दोस्तों मैं अभी मॉर्निंग में ऊपर आया और यहाँ पे देखा हमारे जो कोरी फिश है, कोरी कैटफिश यहाँ पे फंसी हुई है। भाई यहाँ पे हिलचल हिलचल क्या कर रही है? तो मैंने देखा कि भाई ये यहाँ पे फंस चुकी है, तो हमें इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा। ये स्पॉन्ज फिल्टर का छोटा सा मैंने यहाँ पे हेडिंग प्लेस के लिए मैंने डाल के रखा था, तो अभी इसको हमें निकालना होगा। चल भाई निकल जा, चल 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 निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। ये निकल गई भाई, कब से फंसी थी यार मुझे सच में नहीं पता, अभी निकाल लेता हूँ मैं। दोस्तों हमने कल एक हमारा ये वाला जो टैंक है ये सेट किया था, तो आज इसके हाल आप देख सकते हो। अभी इसका जो वाटर है पूरा व्हाइट व्हाइट, मतलब पूरा ऐसा ब्लर सा हो गया था यार कल, तो आज ये पूरा बैठ गया है नीचे। देखो यार एकदम क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हुआ है अभी तक, इसे कंप्लीट अभी और 12 घंटे लग जाएगा इस क्रिस्टल क्लियर, मतलब ऐसा जो वाटर है ना, ऐसा वाटर होने में इसे कंप्लीट और 12 घंटे लगेंगे और पूरा प्योर देखेगा। तो यार मुझे काफ़ी सारे भाई मुझे कल कमेंट में कह रहे थे कि भाई ये टैंक सेटअप इतना अच्छा नहीं बनाए, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करो कि भाई आप पोलर पैरेट यहाँ पे रखना चाहते हो, तो पोलर पैरेट को सिंपल तो आपको पता है यार लगता है, तो हेडिंग प्लेस तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी की वजह से हमने एक प्लानिंग किया कि भाई ये जो प्लांट है ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के सजेशन थे कि भाई आप प्लांट ना रखो, इतने अच्छे भी नहीं लग रहे, तो हम यहाँ से प्लांट हटाने वाले, सिर्फ हम ये एक वाला प्लांट यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे हम ये जो हाइडिंग प्लेस है, 1 2 3 4 हमारे पास 4 ये ऐसे मटके छोटे छोटे, तो हम ये मटके यहाँ पे ऐसे पीछे रख देंगे तो ये एकदम प्रॉपर लगेगा। बट अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ा मतलब पानी बैठ जाएगा तब हम करके देखेंगे। क्या करते हो दोस्तों, ये वाले जो मटके मैं अच्छे से अभी धो लेता हूँ, धोने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। वेलकम बैक और द डेजी फिश में आप सभी का फिर से वेलकम। और दोस्तों आज ये मेरे हाथ में देख सकते हैं कितनी बड़ी डिश है, और भाई ये लगभग लगभग 1 kg की होगी यार, पकड़ना यार बहुत ज़्यादा भारी यार ये। तो इसमें मैंने हमारे पिजन्स के लिए जो रोटी है तो रोटी दी है, और यहाँ पे है बनानास, और यहाँ पे है कैरेट, और यहाँ पे है हमारे एप्पल, यहाँ पे बीट रूट, और वो नहीं पता यार हमारा लोकल का फ्रूट है वो, और ये है ब्लडवर्म जो कि हमारे फिशेस के लिए, और ये बाकी हमारे रैबिट्स और हमारे गिनी पिग्स के लिए काफ़ी रहेगा, और ये वाला भी हमारे रैबिट्स और गिनी पिग्स के लिए और कॉकटेल के लिए और बजिस के लिए, इनके लिए काफ़ी रहेगा। जल्दी जल्दी देते यार, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा और हमारे पेट से भी इंतज़ार नहीं हो रहा। देखो सबसे पहले गिनी पिग्स को देते हैं यार, पहले मैं हमारे गिनीज को दूंगा। देखो भाई आते ही इनका शोर चालू हो गया। चलो गिनीज आजा 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 मेरे क्यूट गिनीज। ओए ओए शिट, ये कैसे नीचे आ गया यार? आजा आजा आजा, शायद से ना मेरे से ना जो डोर है डोर खुल गया था और ये नीचे आ गया यार। चल चल गिनी आजा आजा। कोई ना, ये जो बीट रूट है बीट रूट पूरा रख दिया, और बनानास, चलो भाई बनानास भी ले लो, और कैरेट्स, हमारे रैबिट्स को कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और सॉरी एप्पल, चलो लो 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 लो, तो इनको फ्रूट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और थोड़े बहुत रोटी के टुकड़े ये भी खा लेंगे अच्छे से। चलो खा लो खा लो खा लो खा लो। चलो गिनीज देखो, एक वहाँ पे एंजॉय कर रहा है और एक यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। ये सबसे मेरा पहले वाला गिनी है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे पहले तो इसे बनाना ही बताया। भाई अभी हमारे पिजन्स को देते हैं, हमारे हंग्री पिजन्स को, हमारे रैबिट्स मतलब हमारे स्नो और ब्लैकी को देते हैं। स्नो ब्लैकी चले 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 चले, स्नो ब्लैकी स्नो ब्लैकी स्नो ब्लैकी, अच्छा 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 अच्छा। ओए ये उठा भाई, ये हमारे पिजन्स का है, खालो 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 खालो। ये देखो यार हमारे ब्लैकी को ना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है यार, बड़ी शौक से खाती है। ओए ब्लडवर्म उठा ना भाई, यहाँ पे ब्लडवर्म क्यों रखा है, ये नहीं खाएंगे ब्लडवर्म। सारे पिजन्स बाहर भी लगे, चलो आओ आओ, इनको बाहर ही नहीं देता ना, आज क्लाइमेट भी अच्छा है, बारिश वगैरह नहीं है। आ जा। अभी हमारे सारे फिशेस को ब्लडवर्म दे देता हूँ, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है यार। पहले हमारे कलर वीडियोस को देता हूँ, चलो चलो आ जाओ। ये देखो यार बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। अभी देते हैं हमारे बेबी पोलर्स और जो बड़े बड़े पोलर्स है, आ जाओ। अभी हमारे फ्लोरों की बारी आती है। और दोस्तों मैंने ना सीधा हमारे बोरिंग का वाटर यूज़ किया था फ्लोरों के टैंक में, तो देखो और कितने दर क्षार लग चुके हैं। ये क्षार हमें सारे के सारे निकालने होंगे, तो निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास एक्वेरियम ब्लेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमें
इधर मैंने गप्पी को भी दे दिया, और इधर हमारे थोड़ी बहुत टक्सेडो गप्पीज और कोरिडोस कैटफिश है हमारे यहाँ पे, और हमारे शार्क को भी दे देता हूँ। शार्क को भी ब्लडोम बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमारे पोलर पैरेट्स, आजा 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 आजा, खा लो खा लो खा लो खा लो। अभी तक पोलर पैरेट्स ने अंडे नहीं दिए यार। जाती है हमारी गोल्डी गैंग की, गोल्डी गैंग को ब्लडोम बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार। देखो ये देखते इतना ज़्यादा अटैक करते हैं। और हमारे गुलामीज को, दोनों जैंट गुलामी को भी दे दिया, चलो खा लो खा लो। और हमारे एक फ्लोरम की फीमेल को भी दे दिया। हमारे दोनों चुटबुले बेबी टर्टल्स को भी मैं दे रहा हूँ, चलो खा लो खा लो खा लो खा लो, ये भी खा लेंगे अभी। अभी बारी आती है हमारे टक्सेडो गप्पीज की। लो जी लो जी लो जी, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। ये आ गए हमारे टक्सेडो गप्पीज। अभी हमारे डम्बोयर को भी दे देता हूँ मैं, चलो मेरे क्यूट डम्बोज, खा लो खा लो। चलो 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 अजो। दोस्तों अभी बारी आती है हमारे सारे बेबी फिशेज की। अजाओ यार, ये बहुत ही ज़्यादा शौक से आ गए, देखो सारे के सारे आ गए। तो मैं इनको हर रोज़ ऐसे खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपने इनको हैंड टीम कैसे किया। तो भाई इनको मैं हर रोज़ हाथ से ही खिलाता हूँ, ये देखो इसे, तो आपके बेबीज आराम से हैंड टीम हो जाएंगे यार। ये देखो यार, हमारे पोलर पैरेट्स वगैरह सारे के सारे बेबीज मेरे हाथ पे आकर खाते हैं। तो चलो अभी मैं हमारे गोल्डीज को भी देता हूँ, इतना इनके लिए काफ़ी होगा। और यहाँ पे भी थोड़े देता हूँ हमें बैलून प्लेटी को। तो यहाँ से होके यहाँ पे उड़ना पड़ता है, और यहाँ से जाके यहाँ पे आना पड़ता है, बड़ी मेहनत हो जाती है यार। तो चलो भाई अभी हमारे मैं गोल्डी को देता हूँ, छोटे गोल्ड फिश के बेबी छोड़े हमने, आपको पता ही है। ये देखो भाई दिख रहे थे मुझे, अभी ग्रीन वाटर होने की वजह से ये इतने प्रॉपर तो नहीं देखेंगे, बट थोड़े दिन में हम इनका भी वाटर चेंज कर देंगे। और इनके लिए अभी तो ग्रीन वाटर ही अच्छा है यार, क्योंकि छोटे बेबीज़ हैं ना, तो ठीक है यार, ग्रीन वाटर इनके लिए बहुत अच्छा है। और ग्रीन वाटर होने की वजह आपको पता है यार, यहाँ पे खुला आसमान है तो ग्रीन वाटर होगा ही होगा, और फिशेज़ के लिए ग्रीन वाटर अच्छा होता है यार। ऐसे नहीं कि भाई ये कोई नुकसान पहुँचाता है, कोई दिक्कत है, तो ठीक है। और दोस्तों यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक प्लांट्स लगाए थे, और यहाँ पे देखकर कितने बड़े बड़े घास उग चुकी है, तो ये हमारे स्नो और ब्लैकी के लिए बहुत अच्छा है। मुझे काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि आपके जो डम्बोयर बेबीज है उनका आप अपडेट ही नहीं देते हो, तो भाई आज मैं उनका अपडेट भी दे देता हूँ। काफ़ी हद तक ना बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको अभी, हाँ ये देखो भाई, अरे यार गिर गया। इनकी साइज़ देख लेते हैं कितने बड़े हुए ये। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे डम्बो, अरे ये देखो, ये है हमारे डम्बोयर के बेबीज, और ये अभी इतने बड़े हो गए। तो आपको पता है हमारे डम्बोयर ने अभी पिछले 20 डेज हो चुके हैं, हाँ 20 डेज हो चुके होंगे इनको, तब इन्होंने बेबीज दिए थे, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबीज थे यार, और ये 20 से ज़्यादा थे बेबीज। तो ये देख सकते हो मैंने एक हाथ में लिया है, तो कितना क्यूट है यार, ये इतनी साइज़ के हो गए, और ये अभी थोड़े दिनों में इनके मॉम डैड से हो जाएंगे। ये इनके डैड है, तो ये देख सकते हो डैड इतने क्यूट है, तो ये कितने क्यूट आएंगे बेबीज, तो ठीक है इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों ये वाले पॉन्ड को हमें बहुत ही जल्द कलर वगैरह करना है, और कलर इसे अंदर से भी करना है और बाहर से भी करना है। तो आप मुझे सजेस्ट कर देना कि भाई हम इसको कौन सा कलर दें अंदर से, मतलब वो दिख सके यार हमें प्रॉपर, क्योंकि ऐसा पूरा ब्लैक दिखता है ना, तो हमें अच्छे से उसके अंदर हमें ना मॉन्स्टर फिश रखने वाले, तो वहाँ पे सरप्राइज रहने वाला था ना, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर फिश, मतलब जैसे ऑस्कर वगैरह यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई हम यहाँ पे कौन सा कलर करें, और हमें वो दिख भी सके, और बाहर कौन सा कलर करें वो भी हमें अच्छा प्रॉपर लगे, और ऊपर कौन से प्लांट्स वगैरह लगाए, तो आप मुझे सब सजेस्ट कर देना। आज हमें हमारे जो पोलर पैरेट्स है ये सारे के सारे यहाँ से उठा कर यहाँ पे शिफ्ट करने, अभी नहीं करेंगे यार, इनको शाम को करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो यार अभी इन्होंने फीडिंग ली, तो यार अभी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अभी नहीं करेंगे इनको, शाम को एक दो घंटे के बाद हम इनको यहाँ से उठा कर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और ये वाले जो गप्पी फिश है ना, हमें इनका भी टैंक चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स है कि भाई आप ये 4 फुट का जो टैंक है आपने आपके गप्पीज के लिए दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा टैंक हो जाता है, और आपके गप्पीज बहुत ही कम है। तो हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे गप्पीज, मतलब इनके लिए इतना बड़ा टैंक देना तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा यार, आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारे गप्पी उठा कर हम इस वाले 1x1 के सेटअप में इनका हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आइडिया मुझे आपको कैसा लगा, तो मुझे आप ज़रूर सजेस्ट करना। यहाँ पे हम हमारी जो फिश रखने वाले वो सरप्राइज तो रहने वाली है, बट यहाँ पे एक मॉन्स्टर फिश रहने वाली है, ठीक है।
तो दोस्तों अभी हो गई इवनिंग और हमारे सारे पिजन्स आ गए भाई। अगर इनको अभी लॉक कर देते हैं। हमें फिश रूम से एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ आ रही है, जो कि हमारे ये वाले जो पोलर पैरेट है ना, बहुत ही जल्द अंडे देने वाली है। तो देखो यार, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, मतलब ये बहुत जल्द यहाँ पे अंडे देने वाली है। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है, तो बहुत जल्द अंडे आएंगे। अंडा आने के बाद बहुत जल्द बेबीज़ भी आ जाएंगे। ये वाले जो टैंक का जो वाटर है भाई, पूरा मतलब क्लियर हो चुका है। इनके अंदर जो ब्लर दिख रहा था, वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो भाई मेरा प्लानिंग क्या चल रहा था, हमारे जो पोलर पैरेट्स है जो कि ये ग्रुप में रहने वाले, ठीक है, तो यार इनके लिए चाहिए हाइडिंग प्लेस। तो हाइडिंग प्लेस इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार ये टैंक में हम वो नहीं रखेंगे, ये टैंक में हमारा रहने वाला है फ्लोरॉन, और इस वाले प्लेन टैंक में हम रखेंगे हमारे सारे पोलर पैरेट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये प्रॉपर, ये जो मटके भाई, ये हम प्रॉपर पीछे से ऐसे रख देंगे, मतलब ये प्रॉपर हेडिंग प्लेस भी लगेगा और अच्छा भी दिखेगा, ठीक है। क्योंकि यार इतना अच्छा नहीं दिख रहा है यार, यहाँ से हमें दोनों प्लांट हटाने होंगे। सिर्फ हम एक प्लांट रहने देंगे, ये स्टोन बड़ा रहने देंगे, और ये जो सैंड है ये यहीं पे रहने देंगे, और जो थोड़े बहुत ग्रेवल्स है ये रहने देंगे यहाँ पे। बाकी सारे के सारे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे रहेगा हमारा फ्लोरॉन। इनको जल्दी जल्दी शिफ्ट कर देते हो यहाँ पे, फिर मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों मैंने हमारा फ्लोरॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अभी बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्लांट्स हैं ना, हम यहीं पे रहने देंगे, इसके साथ प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं थोड़े बहुत। तो मैं ये प्लांट्स और ये ऐसे रहने दूंगा, ये सेटअप थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। यार आप मुझे सजेस्ट करना कि भाई इसमें क्या कमी है और हम क्या और ऐड कर सकते, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे मटके ना यहाँ पे लगा दूंगा। हाँ अच्छे से निकालो, उसमें पोलर पैरेट दब दिख जाएगा, और ऊपर वाला भी निकाल ले। एक कलर वीडियो के टैंक में हमारा एक मटका और उसमें एक पोलर पैरेट, वो भी निकाल कर यहाँ पे रख देते चारों के चारों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारे जो पोलर पैरेट्स थे वो भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो देख सकते यार यहाँ का पानी पूरा ब्लर हो चुका है, और ये जो शार है ना भाई, ये भी मैं थोड़े थोड़े निकाल रहा हूँ इसकी मदद से। ये वाला जो ब्लेड है ना, इसकी मदद से बहुत अच्छे निकल रहे यार ये। मतलब मैंने डायरेक्ट बोरिंग का पानी यूज़ किया था, ये देखो ऐसे। तो बोरिंग का पानी यूज़ करने से क्या हुआ कि भाई ये सारे क्षार यहाँ पे लटक गए, तो ये कांच पूरा खराब हो चुका है। बट ये हो जाएगा, कोई नहीं। और अभी करूँगा तो यार पानी पूरा गंदा हो जाएगा, तो अभी नहीं कर सकते ये, तो मैं रात को वगैरह कर दूंगा। ये सब सोएंगे ना तब ये पूरा हम कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोनों आज टैंक सेटअप कर दिए। मतलब फ्लोरन नीचे थी तो उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, अभी यहाँ पे आराम से भी रह रही थी, पर कितने अच्छे से खेल भी रही इसको, ये देखो। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।